दोस्तों हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, जो सुबह उठकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो सुबह उठ नहीं पाते हैं। शायद वो जो आदत लगी हुई है उन्हें सुबह देर से उठने की, शायद उस आदत की वजह से वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस समस्या का समाधान देने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। पहला कि आप सुबह उठकर जल्दी पढ़ाई कैसे करें, और दूसरा कि सुबह उठकर पढ़ने के फायदे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये दो चीजें बताऊंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलार्म लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद सुबह बिना अलार्म के, बिना किसी उठाए के उठ जाओगे सुबह 4 बजे। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली चीज आपको करनी क्या है, जो आपको ध्यान में रखना है सुबह जल्दी उठने के लिए, वो कि देखिए आपको आदत क्या लगी हुई है। आपको आदत लगी हुई है सुबह देर से उठने की। मैं मानकर चलता हूँ कि आप सुबह 7 या 7:30 बजे उठते हो, तो आदत आपको क्या लगी हुई, आपको आदत लगी हुई थोड़ा देर से उठने की, लेकिन आप जल्दी उठना चाहते हो। तो सपोज देखिए क्या होगा कि अगर आप पहले दिन जोश जोश में 4 बजे सुबह उठ गए, तो देखिए जोश में फर्क होता है जोश और किसी चीज में आदत में। तो आप सपोज दैट जोश जोश में सुबह 4 बजे उठ गए, तो क्या होगा अगले दिन आप नहीं उठ पाओगे। तो आपको क्या करना, आपको तो आदत लगानी है सुबह जल्दी उठने की। तो देखिए आदत, किसी चीज की आदत हमें धीरे धीरे लगती है। तो आप क्या करो कि आप जैसे अगर 7 बजे उठते हो, तो आप आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करो, आप 6:30 बजे उठने की कोशिश करो, फिर उसके अगले दिन आप 6 बजे उठने की कोशिश करो, फिर अगले दिन आप 5:30 बजे उठने की कोशिश करो। इसी तरह आप हर दिन आधा आधा पीछे करने की, आधा आधा घंटा पीछे उठने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपको देखना धीरे धीरे आदत लग जाएगी, और जब किसी चीज़ की आदत लगती है तो हमें आदत छूटती नहीं है। और आपको देखना एक दिन खुद ब खुद, आप खुद ब खुद बिना अलार्म के, बिना किसी उठाए के, आप खुद 4 बजे या 4:30 बजे जब भी आपको उठने की इच्छा होगी सुबह, आप खुद ब खुद उठ जाओगे। सुबह जल्दी उठने के लिए दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टाइम पर सोना। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप टाइम पर सोओगे नहीं, तब तक आप टाइम पर उठोगे कैसे। देखिए, अगर आपको आदत लगी हुई है 12-1 बजे रात को सोने की, और आप उम्मीद करोगे कि मैं अगले दिन 4 बजे उठ जाऊं, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं दोस्तों। अगर आप सपोज एक दिन उठ जाओगे लेकिन अगले दिन से नहीं उठ पाओगे, इसलिए जब तक आप टाइम पर सोओगे नहीं, तब तक आप टाइम पर उठ नहीं पाओगे। इसलिए आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश करनी कि हर हाल में मैं 10 या 10:30 बजे तक सो जाओ। अगर आपको अभी तक आदत लगी हुई है 11 या 12 बजे रात को सोने की, तो आप इस आदत को बदलो। हो सकता है कि पहले दिन आपको दिक्कत हो, पहले दिन आपको नींद ही ना आए, लेकिन आपको ये कोशिश करते रहनी है। और आप फोन को अपने आप से दूर रख देना। जब तक आप फोन को अपने आप से दूर नहीं रखोगे, तब तक आप टाइम पर सो नहीं पाओगे। इसलिए आपको पहले दिन कोशिश करनी है कि मैं जो 10:30 पौने 11 हो, फिर अगले दिन आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके सोना है आपको। इस तरह से आपको आदत लग जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही सुबह उठे कैसे, अब बात करते हैं सुबह उठकर पढ़ने के फायदे। देखिए, सबसे पहला फायदा तो सुबह उठकर यही होता है कि हमें जो भी चीज़ें हमें मुश्किल लगती है, वो सुबह के टाइम में बहुत आसानी से समझ में आती है। जैसे सपोज दैट आपको मैथमेटिक्स या साइंस आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती है, तो एक बार आप क्या करना, सुबह उठ करके पढ़ के देखना। देखना आपको कंसेप्ट ऐसे समझ में आएगी कि आपको खुद ब खुद यकीन नहीं होगा कि सुबह मुझे इतनी आसानी से समझ में क्यों आ रही। क्योंकि देखिए, सुबह का माहौल ही ऐसा होता है, वातावरण ही ऐसा होता है कि सुबह सब कुछ शांत रहता है, आपके घर में सब लोग सोड़े होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा रहता है, तो उस वक्त पढ़ने का सबसे अच्छा माहौल ही सुबह का होता है दोस्तों। तो इसलिए आपको सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। और दूसरा है, अगर आपको लॉन्ग आंसर याद करने दोस्तों, तो लॉन्ग आंसर को एक बार आप सुबह लर्न करके देखना दोस्तों, आपको खुद ब खुद लॉन्ग आंसर आसानी से याद होने लग जाएंगे दोस्तों। तो जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सुबह के टाइम ही इन सब चीज़ों को रखते हैं। जो भी मुश्किल सब्जेक्ट आपको लगे ना दोस्तों, उसको आप सुबह के टाइम में रखो, देखना वो आसानी से आपको समझ में आने लग जाएगी। जैसे किसी किसी को फिजिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, किसी किसी को मैथ ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो इन सब चीज़ों को सुबह के टाइम में रखते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अगर बड़े आंसरों को याद करें तो सुबह के टाइम याद करो, सुबह के टाइम आसानी से याद होती है। तो ये सब चीज़ें फायदा होता है सुबह उठने के, सुबह उठकर पढ़ाई करने के। आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी, आपको सब कुछ जल्दी जल्दी याद होगा, और आप कभी भूल भी नहीं पाओगे दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं दोस्तों। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।